Now, the topic is related to what capital and revenue. उसका एक्सपेंडिचर भी देखना है आपको, रिसीप भी देखना है. तो सबसे फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट वन, व्हाट वी हैव टू सी, कैपिटल एक्सपेंडिचर. व्हाट कैपिटल एक्सपेंडिचर? नाउ बेटा, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? सिंपल फंडा, रिमेंबर इट. कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस इट्स अ बिग एक्सपेंडिचर, बड़ा एक्सपेंडिचर है जो आपको फ्यूचर बेनिफिट देगा. बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं? तो हमेशा याद रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा? एन एक्सपेंडिचर carrying probable future benefits. What? An expenditure carrying what? Probable future benefits. मतलब जो आपको फ्यूचर बेनिफिट देगा, राइट है, फ्यूचर में बेनिफिट देगा, दैट इज वॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर. जैसे आपने बिजनेस में मशीन खरीदा, मशीन परचेस किया, अब वो मशीन आपको फ्यूचर बेनिफिट देगा कि नहीं? देना ही है बेटा. दैट मशीन विल गिव यू द फ्यूचर बेनिफिट्स, प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट्स. सो दैट इज वॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर. रिमेंबर, सो एन एक्सपेंडिचर, वर्ड याद रखना और सेंटेंस, एन एक्सपेंडिचर कैरिंग प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट्स. व्हाट? एन एक्सपेंडिचर कैरिंग प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट्स. रिमेंबर, राइट, करेक्ट. तो याद रखो कि आप कोई भी एडिशन करते हो ना फिक्स्ड एसेट्स में, मशीन खरीदा, फर्नीचर खरीदा, लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट्स किया है, या नॉर्मल इन्वेस्टमेंट किया आपने लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, वो सब आपको फ्यूचर बेनिफिट्स देने वाला है. वो सब आपको क्या देगा बेटा? फ्यूचर बेनिफिट्स. तो बेटा फ्यूचर बेनिफिट्स देगा तो दैट इज व्हाट कैपिटल एक्सपेंडिचर. सिंपल सा फंडा, जो भी एक्सपेंडिचर आपको फ्यूचर बेनिफिट्स देगा दैट इज व्हाट कैपिटल एक्सपेंडिचर. रिमेंबर, है कि नहीं? बराबर. तो ये आपके माइंड में एकदम फिक्स होना चाहिए, ये पूरा सेंटेंस, कि एन एक्सपेंडिचर कैरिंग प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट्स. व्हाट? एन एक्सपेंडिचर कैरिंग प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट्स. राइट है, मालूम पड़ा? ये आपको फ्यूचर बेनिफिट्स देगा, मालूम पड़ा? क्लियर. तो इसका पर्पज ही है, बराबर, इसका पर्पज ही है कि ये आपको बेनिफिट देगा फ्यूचर पीरियड के लिए. जैसे आप कोई भी एडिशन करते हो फिक्स असेट्स में, जैसे आपने फर्नीचर खरीद लिया, आपने मशीनरी खरीद लिया, आपने इक्विपमेंट खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, तो ये सब आपको फ्यूचर बेनिफिट्स देगा बेटा, है कि नहीं? सो दीज ऑल आर व्हाट कैपिटल एक्सपेंडिचर. दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो याद रखना, तो आप क्या बोल सकते हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए क्या आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, मतलब क्या फीचर्स होगा? तो फीचर्स में आप क्या बोल सकते हो? सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है. देखो, आपने मशीन खरीदा, आपने फर्नीचर खरीदा, आपने लैंड एंड बिल्डिंग परचेस किया है, बराबर, वो सब आपको, इक्विपमेंट खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, लैपटॉप खरीदा, ये सारे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे. तो जो भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट से रिलेटेड हो गया, याद रखना दैट इज व्हाट कैपिटल एक्सपेंडिचर. वो एग्जाम्पल है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो आप बोल सकते हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का सबसे पहला फीचर्स क्या हो गया? इट गिव्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स. इट गिव्स व्हाट? लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स. बेटा ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देता है. सो पहला फीचर इसका क्या है? लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स. गॉट इट? क्लियर. तो पहला फीचर याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, पहला फीचर है इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट. एकदम सिंपल है, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बेटा. तो पहला फीचर इज व्हाट? लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स. आ जाओ अभी सेकंड फीचर क्या बोल रहा है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. व्हाट इज गिवन? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. बेटा नाम से मालूम पड़ जाना चाहिए आपको, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. बेटा देखो, आप बिजनेस में जो इन्वेस्ट करते हो ना, बराबर, वो किसके लिए करते हो? आपके बिजनेस के फ्यूचर के लिए, ताकि वो आपको हेल्प करे. वो इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस को हेल्प करे, फ्यूचर में इनकम जनरेट करे, और करंट में भी जनरेट करेगा, बट मेन पर्पस क्या? आगे लॉन्ग टर्म के लिए वो अपने को इनकम जनरेट करना चाहिए, राइट? तो एक तरह से आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इन्वेस्टमेंट टाइप है. आप मशीनरी में पैसा डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो? एक तरह से बिजनेस आपका सेटअप हो, डेवलप हो, वो अपने को इनकम जनरेट करके दे, अपना बिजनेस अच्छे से चले, प्रोडक्शन हो, एवरीथिंग, इसलिए आप मशीन में पैसा डाल रहे हो ना बेटा. सो दैट इज व्हाट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. तो हम बोल सकते हैं इसका एक और फीचर क्या है? Investing activity, right? It helps to set up and develop a business. Investing activity is what? It helps to set up and develop a business.
तो याद रखना, तो पहला फीचर क्या बोल रहा है, एक तो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए हो गया, दूसरा क्या बोल रहा है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई, थर्ड क्या बोलता है बेटा ये रिकवरेबल है। क्या बेटा? रिकवरेबल। रिकवरेबल मतलब क्या, आपने मशीन में इन्वेस्ट किया है, बराबर है, आपने बड़े इन्वेस्टमेंट किए हैं, राइट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, बिग इन्वेस्टमेंट है, बिग एक्सपेंडिचर है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। तो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है बेटा, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या फायदा होगा, ये आपको इनकम जनरेट करके दे, क्या रिकवर्ड थ्रू इनकम जनरेटेड बाय दी असेट्स, राइट है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है बेटा, आपको आपने बड़ा एक्सपेंडिचर कर दिया, आपने मशीन में 1 करोड़ रुपया लगा दिया, 1 crore, 1 CR rupees, 1 crore rupees आपने मशीन में लगा दिया बेटा, तो वो मशीन आपको इनकम जनरेट करके देगा, इनकम 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 इनकम, याद रखना, तो मशीन आपको इनकम जनरेट करके देगा बेटा। सो दैट इज व्हाट रिकवरेबल, व्हाट रिकवरेबल मींस वी कैन से दैट मनी स्पेंट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट मनी स्पेंट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन बी रिकवर्ड थ्रू व्हाट, इनकम जनरेटेड बाय दी असेट्स। इनकम से अपने को असेट, देखो असेट से आपको क्या जनरेट होगा, इनकम। तो जो भी आपको इनकम जनरेट हो रहा है, कैसे जनरेट हुआ, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, आपने वो मशीन में इन्वेस्टमेंट किया था, आपने उस कंप्यूटर में या उस लैपटॉप में या इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट किया है, तो ही आपको इनकम जनरेट हो रहा है ना बेटा। तो दिस इज व्हाट रिकवरेबल, ये रिकवरेबल है, क्या है, ये रिकवरेबल है, राइट। सो रिमेंबर इट एवरीवन, मनी स्पेंट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन बी रिकवर्ड थ्रू व्हाट, इनकम जनरेटेड बाय द असेट्स और इवन बाय सेलिंग द असेट्स, ठीक है, या फिर आप असेट बेच के भी रिकवर कर सकते हो। तो नॉर्मली आपका क्या होगा, रिकवर्ड थ्रू इनकम जनरेटेड, इनकम जनरेटेड बाय द असेट्स, रिमेंबर, ओके। सो रिकवरेबल, ये पॉइंट याद रखना सब लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखा आपने, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर का फीचर्स क्या है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। सेकंड आपने देखा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। थर्ड आपने देखा इट इज रिकवरेबल। फोर्थ क्या बोलता है, नॉन रिकरिंग। क्या है, नॉन रिकरिंग। अब नॉन रिकरिंग मतलब क्या, अभी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बड़ा एक्सपेंडिचर है ना बड़ा, बराबर, फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए करते हो, तो ये बार बार नहीं होता बेटा, ये हमेशा नहीं होता, नॉन रिकरिंग इन नेचर है, याद रखो, ये बार बार आप नहीं करते हो, नॉर्मली इसका जो नेचर है वो नॉन रिकरिंग है, एक बार किया तो वो असर आपको काफी साल तक बेनिफिट देने वाला है। तो ये जो एक्सपेंडिचर है वो बार बार होता नहीं, नॉन रिकरिंग, बराबर है, नॉन रिकरिंग इन नेचर है। अभी जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है, रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब जैसे आप सैलरी पे कर रहे हो एम्प्लॉयज को, तो सैलरी तो हमेशा पे करना पड़ेगा ना, साल में 12 times पे करना पड़ेगा, 1 year में 12 पे करना पड़ेगा, तो सैलरी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि इट इज रिकरिंग इन नेचर। बट ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग है बेटा, नॉन रिकरिंग, इट्स व्हाट, नॉन रिकरिंग इन नेचर। सो रिमेंबर इट, नॉन रिकरिंग मतलब बार बार खर्चा नहीं करते, समझे कि नहीं, बार बार ये एक्सपेंडिचर नहीं करते। अब मशीन क्या, आप हर महीने मशीन खरीदोगे, नहीं ना, एक बार मशीन खरीद लिया तो वो काफी साल तक बेनिफिट देगा आपको, बराबर है कि नहीं, तो हर महीने हर दिन क्या मशीन ही खरीदते बैठोगे, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल यार, बराबर है। सो ऑलवेज रिमेंबर इट, दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर इज व्हाट, नॉन रिकरिंग इन नेचर। व्हाट बेटा, नॉन रिकरिंग इन नेचर। अब देखो अभी इसका इफेक्ट्स क्या होता, इफेक्ट्स ऑन प्रॉफिट्स एंड फंड्स, मतलब इफेक्ट ऑन फंड्स एंड प्रॉफिट। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा तो पहली बात तो आपका फंड रिड्यूस होगा, रिड्यूस कम हो जाएगा, है कि नहीं, कम होगा कि नहीं, नॉर्मल सी बात है ना, बड़ा एक्सपेंडिचर है, आप मशीनरी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मशीन में अगर आप पैसा डालोगे तो बड़ा अमाउंट जाएगा, तो कॉमन सी बात है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर रिड्यूसेस, डिक्रीजेस फंड्स इन द करंट ईयर। रिमेंबर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है बेटा, आपका फंड्स डिक्रीज करेगा क्योंकि मनी गोज आउट ऑफ द बिजनेस, मनी जा रहा है अपना, बराबर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का याद रखना, वो आपका फंड रिड्यूस करेगा। लेकिन फंड तो ठीक है, जब भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, जब भी वो एसेट खरीद रहे हो, तो आपका फंड तो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन वो बाद में आपको प्रॉफिट भी जनरेट करके देगा ना यार, प्रॉफिट्स, राइट, बट इट मे इंक्रीज प्रॉफिट्स एंड फंड्स इन द फ्यूचर, बराबर है।
मालूम पड़ा, बट मे इट मे इंक्रीज व्हाट प्रॉफिट्स, वो आपका प्रॉफिट इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट से ऑटोमेटिकली आपका फंड भी इंक्रीज होगा, याद रखना। सो इफेक्ट ऑन फंड्स एंड प्रॉफिट, एवरीवन रिमेंबर इट, कि पहला तो देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये आपका फंड डिक्रीज करेगा क्योंकि पहले पैसा जाएगा, बड़ा अमाउंट जाएगा, लेकिन उस बड़े अमाउंट से आपको फ्यूचर में क्या इंक्रीज होगा, आपको वो प्रॉफिट जनरेट करके देगा, प्रॉफिट जनरेट करेगा तो ऑटोमेटिकली बाद में आपका फंड भी इंक्रीज होगा यार, इंक्रीज होगा, सिंपल, याद रखना, समझा, मालूम पड़ा। सो इफेक्ट्स ऑन फंड्स एंड प्रॉफिट याद रखना पड़ा, इनिशियली क्या होगा, आपका फंड जाएगा, कम होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन वो फिर आपको फ्यूचर में प्रॉफिट इंक्रीज करके देगा और प्रॉफिट से आप अपना फंड फिर से बढ़ा लोगे और अच्छा खासा इंक्रीज कर लोगे, नॉर्मल सी बात है, बराबर है, मालूम पड़ा। तो याद रखना इफेक्ट्स ऑन फंड्स एंड प्रॉफिट्स भी दिमाग में रहना चाहिए, समझा। अभी देखो ना, आपने मशीन खरीदा है तो मशीन से क्या करोगे, आप गुड्स बनाओगे, बराबर है, रॉ मटेरियल सब रेडी करोगे, प्रोसेस में करके पूरा फिनिश गुड्स बनाओगे, वो फिनिश गुड्स का आप क्या करोगे, सेल करोगे, सेल ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग मशीनरी, वो मशीन जो खरीदा था उस मशीन से आपने क्या किया, गुड्स बनाया और उसको सेल कर रहा है, तो सेल कर रहा है ना बेटा, तो सेल करेगा तो इनकम जनरेट होगा, इनकम आएगा, इनकम आया, राइट, तो इनकम आएगा तो भाई प्रॉफिट इंक्रीज होगा एंड फाइनली आप अपना फंड बैलेंस भी इंक्रीज करोगे, जो भी फंड आपको इंक्रीज करना है वो नॉर्मल सी बात है, आपका फंड बैलेंस भी इंक्रीज होगा। देखो जब प्रॉफिट आएगा तो अल्टीमेटली आपका फंड भी इंक्रीज होगा, जो भी आपने फंड प्लान किया है, बराबर है, तो वो प्रॉफिट में से आप पैसा निकाल के फंड में डाल सकते हो, दैट्स इट, बराबर है, मालूम पड़ा। तो इन्वेस्टमेंट भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, तो वो भी एक तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर टाइप हो गया, राइट, तो वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंड, मतलब जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या हो गया, अर्निंग हो गया ना, क्योंकि वो इंटरेस्ट आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर जो किया था आपने, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था ना बेटा, इन्वेस्टमेंट, उससे आपको इन्वेस्टमेंट मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो एक तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया ना आपका, बड़ा एक्सपेंडिचर हो गया, कि भाई आपने वो एक्सपेंडिचर कर दिया है, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, बट वो इन्वेस्टमेंट से आपको इनकम जनरेट हो रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है कि नहीं, बराबर है, तो आपको इनकम मतलब समझो इन द फॉर्म ऑफ क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वो भी आपका प्रॉफिट पे इफेक्ट आया कि नहीं, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट, कि आपका प्रॉफिट समझो आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। और वही इन्वेस्टमेंट अगर आपने बेच दिया, समझो वो तो बेचने की बात बाद में आती है, कि वो इन्वेस्टमेंट आपने सेल कर दिया तो उसके ऊपर जो भी कैपिटल गेन्स होगा वो डिफरेंट थिंग है, बराबर है बेटा, वो डिफरेंट थिंग है, कैपिटल गेन इज डिफरेंट, कि इन्वेस्टमेंट बेचने के बाद जो कैपिटल गेन होगा वो बाद में बताऊंगा, टेंशन मत। सो याद रखना बेटा, इफेक्ट्स ऑन फंड एंड प्रॉफिट, बराबर है, कि जो भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है उसका इफेक्ट फंड्स पे क्या होगा, अपना फंड स्टार्टिंग में तो कम होता है, बराबर, जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे या उस फिक्स असेट में आप पैसा डाल रहे हो तो नॉर्मल सी बात है आपका पहला स्टार्टिंग में फंड कम होगा, बट प्रॉफिट इन फ्यूचर आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, बराबर, और प्रॉफिट एक बार इंक्रीज हो गया तो फंड भी अल्टीमेटली इंक्रीज कर सकते हो आप, सिंपल फंडा एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे मशीन आपने जो खरीदा था, जो मशीन में इन्वेस्टमेंट किया है, वो मशीन से आप गुड्स बनाओगे, गुड्स बना के आप इनकम जनरेट कर सकते हो, या जो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट से आप इनकम जनरेट करते हो, दैट्स इट, बराबर, और जहां जहां इनकम जनरेट होगा तो अल्टीमेटली प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है, याद रखो इनकम क्रेडिट बैलेंस होता है बेटा, अल्टीमेटली वो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज करेगा बेटा, याद रखो, ठीक है। और बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिस्क्लोजर कहां करते हैं, डिस्क्लोजर इन फाइनल अकाउंट, सिंपल, डिस्क्लोजर किधर होता है बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, सो इट विल बी डिस्क्लोज्ड इन बैलेंस शीट असेट साइड, बराबर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ा एक्सपेंडिचर है यार, इससे अपना असेट क्रिएट होता है, असेट, और असेट किधर दिखाते हो आप, बैलेंस शीट असेट साइड, नॉर्मल सी बात है, बैलेंस शीट में दिखाओगे ना, बैलेंस शीट असेट साइड में, असेट कहां शो करते हो, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में असेट साइड जो होता है उधर शो करोगे, सिंपल सा फंडा, बराबर है, तो डिस्क्लोजर इन फाइनल अकाउंट, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है दैट विल बी डिस्क्लोज्ड इन बैलेंस शीट असेट साइड, नॉट इट क्लियर,
तो याद रखना बेटा, तो क्या क्या हो गया बेटा फीचर्स आपका, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स याद रखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर का फीचर्स क्या क्या हो गया, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बराबर है, रिकवरेबल है रिकवरेबल है, नॉन रिकरिंग है बेटा, इफेक्ट्स ऑन फंड्स एंड प्रॉफिट्स और डिस्क्लोजर इन फाइनल अकाउंट्स, गॉट इट? तो ये सबके माइंड में एकदम फिक्स होना चाहिए, करेक्ट? समझा? मालूम पड़ा?